स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। ये लेसन नंबर 3 है प्रोज का और क्लास 12 का है। इसके राइटर हैं जेम्स एलन। इफ यू वुड एक्वायर Overcoming power, you must cultivate poise and passivity. Acquire का अर्थ है प्राप्त करना, overcoming दूसरों पर विजय। Cultivate का अर्थ तो ऐसे खेती करना है, poise का अर्थ होता है संतुलन, passivity का अर्थ है निष्क्रियता। यदि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर संतुलन और निष्क्रियता को कल्टीवेट करना होगा, संतुलन और निष्क्रियता को उगाना होगा या बढ़ाना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन। आपको इस लायक बनना होगा कि आप अकेले खड़े हो सकें, अकेले खड़े होने लायक बनना होगा। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इमोविबिलिटी। सभी शक्तियां अचलता से जुड़ी हुई होती हैं। एसोसिएटेड का अर्थ होता है जुड़ा हुआ होना और इमोविबिलिटी का अर्थ है अचल। तो सभी शक्तियां अचलता से जुड़ी होती हैं। The mountain, the massive rock, the stone, tried oak, all speak to us of power. The mountain, पर्वत, the massive rock, विशाल चट्टाने, the stone, tried oak, तूफानों को झेल चुका बलूत का पेड़, all speak to us of power. ये सभी हमें शक्ति को बताती हैं, शक्ति को दिखाती हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सोलिटरी ग्रैंडियर एंड डिफिट फिक्सिटी। अपनी एकांत शानदार और स्थिर शक्ति के कारण, पर्वत हो चाहे विशाल चट्टान हो या फिर बलूत का पेड़ हो, ये अपने एकांत या अकेले के और स्थिर होने के कारण अपनी शक्ति को दिखाते हैं। डिफेंट फिक्सिटी का अर्थ है स्थिर। व्हाइल द शिफ्टिंग सैंड द यील्डिंग ट्विग एंड द वेविंग रीड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस। जबकि शिफ्टिंग सैंड, उड़ता हुआ बालू, द यील्डिंग ट्विग टूटी हुई टहनी एंड द वेविंग रीड और हिलता हुआ नरकट हमें कमजोरी को बताता है, कमजोरी को दिखाता है। बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट। क्योंकि वे मूवेबल हैं, अस्थिर हैं और नॉन रेजिस्टेंट हैं, इनमें प्रतिरोध की क्षमता नहीं है, मुश्किलों के आगे प्रतिरोध नहीं कर पाते। एंड आर उतरली यूजलेस व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज। और जब ये अपने साथियों से अलग हो जाते हैं तो पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। डिटैच्ड का अर्थ होता है अलग हुआ, फेलोज का अर्थ है साथी, उतरली का अर्थ है पूरी तरह से। जब ये सब अपने साथियों से अलग हो जाते हैं तो पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। ही इज द मैन ऑफ पावर हु व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड बाई सम इमोशन आर पैशन रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड। ही इज द पावर ऑफ मैन। वही शक्तिशाली मनुष्य है जो
When all his fellows are swept, जब उसके सभी साथी दूर हो जाते हैं, स्वेट का अर्थ है बह जाना, तो जब यहाँ पे अर्थ है कि जब उसके सभी साथी दूर हो जाते हैं, बाय सम इमोशन, कुछ भावनाओं के कारण, आ पैशन या फिर मनोवेगों के कारण, रिमेन्स्ड काम एंड अनमूव्ड, शांत रहते हैं और अचल रहते हैं। तो शक्तिशाली मनुष्य वही है जो अपने सभी साथियों के चले जाने से, चाहे वे भावनाओं के कारण या फिर मनोवेगों के कारण चले जाते हैं, फिर भी शांत बने रहते हैं और अचल बने रहते हैं। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। आदेश देने का अधिकार वही रखता है या आदेश देने के लिए वही उपयुक्त है जो अपने आप को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर लिया हो। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रिवोलस। हिस्टेरिकल का अर्थ है मजाकिया, मस्खरा। फियरफुल, डरपोक। थॉटलेस, विचारहीन। फ्रिवोलस का अर्थ है छिछोरे। लेट सच सिक कंपनी। तो मजाकिये, डरपोक, विचारहीन और छिछोरे लोग अपनी जैसी ही संगति खोजते हैं। सिक्का अर्थ है खोजना। आर दे विल फॉल आर लैक ऑफ सपोर्ट। आर दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, या फिर वे बिना सहयोग के गिर जाएंगे, सहयोग के अभाव में गिर जाएंगे। बट द काम, द फियरलेस, द थॉटफुल एंड ग्रेव। लेकिन निडर, विचारशील और गंभीर। लेट सच सीक द सोलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट, द डेजर्ट एंड द माउंटेन टॉप। लेकिन जो निडर होते हैं, शांत होते हैं, विचारवान होते हैं, गंभीर होते हैं, वे एकांत खोजते हैं। जंगल का एकांत खोजेंगे, मरुस्थल का एकांत खोजेंगे खोजते हैं, या फिर पर्वत के शिखर का एकांत खोजते हैं। एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर पावर। और उनकी शक्तियों में और ज्यादा शक्ति जुड़ जाती है। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुल्ली स्टेम। और फिर वे ज्यादा ही और ज्यादा सफलतापूर्वक नियंत्रित करते हैं। स्टेम का अर्थ नियंत्रित करना। द फिजिक करेंट एंड वर्लफूल विच इनगल्फ मैनकाइंड। फिजिक करेंट मनोवैज्ञानिक धारा। वर्लफूल का अर्थ है भंवर। इनगल्फ का अर्थ है निगलना। मैनकाइंड का अर्थ है मानवता। तो वे लोग जो एकांत में अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं, वे सफलतापूर्वक मनोवैज्ञानिक विचारों को, मनोवैज्ञानिक धाराओं को, जिसके भंवर में मानवता घिरी हुई होती है, जो मानवता को निगल जाती है, उसको भी पूरी सफलता के साथ नियंत्रित कर लेते हैं। पैशन इज नॉट पावर। मनोवेग शक्ति नहीं है। इट इज द एब्यूज ऑफ पावर। यह शक्ति का दुरुपयोग है। डिस्पर्सन ऑफ पावर। पावर को, शक्ति को बर्बाद करना है। डिस्पर्सन का मतलब होता है छितरा देना, शक्ति को बर्बाद करना है। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फियर्सली एंड वाइल्डली अपॉन द इम्बेटल्ड रॉक। यह जो मनोवेग है वह एक भयंकर तूफान की तरह है जो चट्टान को बहुत ही भयानक तरीके से, जंगली तरीके से टकराता है या पीटता है। फिस्ट पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ। फिस्ट का अर्थ है जबकि शक्ति स्वयं ही अपने आप में एक चट्टान है। विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड दो इट आर, जो हमेशा ही शांत और अचल रहती है इन सबके बावजूद भी। जीवन में जो भी कठिनाई आती हैं, जिन भी कारणों से आती हैं, तो जिसके पास शक्ति रहती है
उन सभी परेशानियों के बाद भी शांत बना रहता है और अचल बना रहता है। इफ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस एंड बिगनिंग ऑफ पावर इज लाइकवाइज द बिगनिंग ऑफ विजडम। यदि आप में यह शक्ति नहीं है तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। एंड द बिगनिंग ऑफ पावर इज लाइकवाइज द बिगनिंग ऑफ विजडम। और शक्ति की शुरुआत बुद्धिमानी की शुरुआत के जैसी ही है। यू मस्ट कमेंस्ट बाय ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्रिविलिटीज टू विच यू हैव हिदर टू बीन ए अनविलिंग विक्टिम। कमेंस का अर्थ है नियंत्रण करना, कमेंस का अर्थ होता है शुरुआत करना। You must commence by overcoming those perilous trivialities। तुम्हें शुरुआत करनी होगी, आपको शुरुआत करनी होगी उन सभी निरुद्देश और तुच्छ कार्यों को छोड़ने की या उन पर विजय पाने की। To which you have hitherto been willing victim, जिनसे कि आप अभी तक जानबूझकर जिन चीजों से आप जानबूझकर जिनके शिकार हो रहे थे, जो निरुद्देश कार्य थे, तुच्छ कार्य थे जिनके आप शिकार हो रहे थे और जानबूझकर हो रहे थे, तो उन पर विजय पाने की शुरुआत करनी होगी। बॉस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर। बॉस्टरस का अर्थ है तेज हंसी, अनकंट्रोल्ड लाफ्टर अनियंत्रित हंसी, स्लैंडर दूसरों का झूठा शिकायत करना, एंड आइडल टॉक मतलब होता है तुच्छ बातें, स्वार्थपूर्ण बातें, एंड जोकिंग मेयरली और थोड़ा बहुत मजाक, टू रीज ए लाफ या ठहाके वाली हंसी। All these things must be put on one side. इन सभी चीजों को एक तरफ रख देना चाहिए। So much waste of fabulous energy, क्योंकि यह आपकी महत्वपूर्ण मूल्यवान ऊर्जा को नष्ट करते हैं। Boisterous and uncontrolled laughter, तेज हंसी और अनियंत्रित हंसी, दूसरों का शिकायत करना और तुच्छ बातें, थोड़े मजाक या फिर ठहाके वाली हंसी, इन सभी चीज़ों को एक तरफ रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सभी आपकी मूल्यवान ऊर्जा को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। एवव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, इन सबके बाद एक उद्देश्य वाले बनो। Have a legitimate and useful purpose, एक उचित और लाभकारी उद्देश्य रखो। Legitimate का अर्थ है उचित, useful का अर्थ है लाभकारी, तो एक उचित और लाभकारी उद्देश्य रखो। And devote yourself unreservedly to it, और अपने आप को पूरी तरह से इसके लिए समर्पित कर दो। Devote का अर्थ है समर्पित करना, अनरिजर्व वेडली का अर्थ है पूरी तरह से, तो इसके लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। लेट नथिंग ड्रॉ यू एसाइड, रिमेंबर दैट, कुछ भी ऐसा न छोड़ो। रिमेंबर दैट, याद रखो, द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वे, दोहरे विचारों वाला व्यक्ति हमेशा ही अस्थिर होता है हर तरीके से। अनस्टेबल का अर्थ होता है अस्थिर, इसको बेकार भी कर सकते हैं। बी ईगर टू लर्न बट स्लो टू बे, सीखने के लिए उत्सुक बनो पर मांगने के लिए मंद रहो, धीरा ही रहो। है विद दो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने कार्य की एक बेहतर समझ रखो, अच्छी समझ रखो। एंड लेट इट बी योर ऑन, और इसे अपना बनाओ।
एंड एज यू प्रोसीड, और जैसे आप ऐसा करते जाओगे, एवर फॉलोइंग द इनवर्स गाइड, अपने अंतरात्म अंदर के मार्गदर्शक को मार्गदर्शक का अनुसरण करते हुए, एवर फॉलोइंग इनवर्ड गाइड, आंतरिक मार्गदर्शक का अनुसरण करते हुए, इनफेलिएबल वॉइस, आंतरिक आवाज का अनुसरण करते हुए, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, आप विजय के बाद विजय प्राप्त करते चले जाओगे, एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेस, और कदम दर कदम सबसे ऊंचे स्थान पर, आरामदायक स्थान पर पहुंच जाओगे, एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू, और आपका हमेशा विकसित होने वाला दृष्टिकोण, एवर ब्रॉडनिंग का अर्थ है हमेशा विकसित होने वाला, आउटलुक का अर्थ दृष्टिकोण, तो आपका हमेशा विकसित होने वाला दृष्टिकोण, ग्रेजुअली का अर्थ है धीरे 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 रिवील टू यू द इसेंशियल ऑफ ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन की सुंदरता और उद्देश्य को खोल के रख देगा, जीवन की सुंदरता कहाँ पे है, जीवन का उद्देश्य कहाँ पे है या क्या है, उस राज को जान जाओगे। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ, अपने द्वारा शुद्ध किया हुआ स्वास्थ्य, विल बी योर, तुम्हारा होगा, अपने द्वारा शुद्ध किया हुआ स्वास्थ्य तुम्हारा होगा, फेथ प्रोटेक्टेड, विश्वास से सुरक्षित रहेगा, उसमें विश्वास की शक्ति रहेगी, सक्सेस विल बी योर, सफलता तुम्हारी होगी, सेल्फ गवर्न्ड पावर विल बी योर, आत्मशासित शक्ति तुम्हारी होगी, एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और जो कुछ तुम करोगे वह सभी खुशी देगा, प्रॉस्पर का अर्थ होता है खुशी या खुशहाल, वह सब कुछ खुशी देगा, या जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे, फॉर सीजिंग टू बी ए डिसजॉइंट यूनिट, जैसा कि डिसजॉइंट यूनिट का है अविभाजित इकाई, सेल्फ इनसेल्फ्ड यू विल बी इन हार्मनी विथ द ग्रेट लॉ, जैसा कि तुम एक अविभाजित होने वाली इकाई हो, सेल्फ स्लेट स्लेव्ड का अर्थ है अपने को नियंत्रित रखते हो, यू विल बी हार्मनी विथ द ग्रेट लॉ, उस महान नियम से, ब्रह्मांड का जो नियम है या सृष्टि का जो नियम है उससे साथ सामंजस्य बना के चलते हो, वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और उस महान शक्ति के विरुद्ध नहीं चलते हो, बट विथ, बल्कि उसके साथ चलते हो, द यूनिवर्सल लाइफ, इस सार्वत्रिक जीवन में, तो इस सार्वत्रिक जीवन में यदि तुम ब्रह्मांड के नियमों के विपरीत नहीं चलते हो बल्कि उसके साथ चलते हो, द इटर्नल गुड, तो अनंतता की अच्छाइयां, जो अच्छाइयां होंगी तुम्हारे अंदर वो अनंत होंगी, एंड व्हाट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विथ यू, और ऐसा कुछ करके जो स्वास्थ्य तुम पाओगे वो तुम्हारे साथ रहेगी, व्हाट सक्सेस यू अचीव्ड विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, और जो सफलता तुम प्राप्त करोगे वो मानवीय गणनाओं से बहुत ज्यादा होगी, एंड विल नेवर पास अवे, और तुमसे कभी छीनी नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेज, एंड विल नेवर, एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल, और जो प्रभाव और शक्ति तुम उपयोग करोगे वह समय के साथ साथ लगातार बढ़ती जाएगी, विल्ड का अर्थ है उपयोग करना, तो जो प्रभाव और शक्ति का तुम उपयोग करोगे वह समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ेगी, फॉर इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट द यूनिवर्स,
और यह सब कुछ कभी न बदलने वाले ब्रह्मांड के नियमों का पालन करता है. फॉर इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स.